रब दी पाठशाला 23वां अंक आलेख अते पेशकारी प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी भल्ला। दोस्तों, मौसम दा बदलदा मिजाज अपने अंदर बहुत सारे संदेश छुपाई बैठा है। मनुख दा कोरोना वायरस दे कुचक्कर विच फस जाना भी शायद मौसम दे बदलदे मिजाज दा ही हिस्सा है, जिसनु पढ़ पाउणा औखा हो रहा है। करोना वायरस वर्गी भयानक बीमारी सब वास्ते नवी है, इसलिए पल पल फैसले बदलने पै रहे हैं, अते इस उपर पल पल दी संजीदगी दी भी लोड़ है। इस वेले ना तो व्यक्तिगत तौर ते किसी फैसले ते कोई अडिग हो सकता है, अते ना ही सरकारां। शायद असी दीवारां ते लिखिया चंगी तरह पढ़ नहीं पा रहे। प्रशासन सानू समाजिक दूरी बनाउन लई कह रहा है, पर साडा रवैया इससे उल्ट है। किसी नू दुकाना खोलण दी चिंता है, किसी नू इंडस्ट्री दे बंद होण दा फिकर सता रहा है। कल दा पता नहीं कदों माड़ा जिहा खांसी बुखार दे लक्षण विखाई देण ते क्वारंटाइन कर दित्ते जाओगे, पर बदलन नू तैयार नहीं। अभिमन्यु वांग चक्कर भी कुछ वड़ना ता सिख लिया, पर बाहर निकलन दा वल नहीं आंदा। हर बंदा काली विच है, नरोल सरकार दे फैसले ते खड़ा, अपनी जिम्मेवारी जरा भी नहीं। सरकार दा लॉकडाउन खोलन दा माड़ा जिहा इशारा हुंदिया ही 130 करोड़ लोग जनता ते घूमन लई निकल पैणगे। मौसम दे बदलदे मिजाज नू वेखदिआं असी क्यों बदलन लई तैयार नहीं? साडियां मृग तृष्णावां ने साडियां अखां ते पट्टी क्यों बन रखी है? साडे कन्न कुदरत दा संगीत क्यों नहीं सुन रहे? आसमान दा मुड़ नीला होना, पंछियां दा डारा बन उडाउणा, कुदरत दा संगीत बजाउणा, इंसानी शोर दा चुप विच बदल जाना, बदलदे मौसम दा मिजाज नहीं तां होर की है? मैं किथे भज्जां आलणे च उड के, मैं किथे भज्जां आलणे च उड के, केड़े अर्थ लवां तरक्कियां दे, केड़े भोरे विच वड़ जावां? मनुख नूं छड सृष्टि दा हर प्राणी बागो बाग है। यह मौसम दी करवट नहीं तां होर की है? मैं सोग नहीं मनाया सड़दे जंगलां दा, मैं खादा चील कबूतरां नूं, अज पहाड़ मेरे ते हसदे ने। जिहड़ा चन्न ते उतर ना जाणदा सी, जिहड़ा नित फुंकारे मारदा सी, अज डिग्गिया विच निवाण ते है। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, किसे खतरे दा खच्चा है, हनेरियां तो पैदा हुए वावरूलियां च फस जाण दा अंदेशा है। कुछ ता है जो मैनू मौसम वांग बदल नहीं दिंदा, कुछ मेरियां पैड़ां मैनू बदल नहीं दिंदियां, मेरे अग्गे वधदियां ही निशान छड़ दिंदियां ने, गूढ़े ते डूंगे निशान, मेरे पिछोकड़ दी तस्दीक करदे निशान, जिन्हां दे आले दुआले मैं घूमण लगदा। हुण मेरियां पैड़ां चक्कर व्यू बणाउंदियां, मैं फस जांदा अभिमन्यु वांग निसंग अते निहत्था। मौसम दे बदलदे मिजाज नूं मेरा वादा है, मैं भी जरूर बदलांगा, चक्कर व्यू जरूर टुटेगा। तुसीं बदलना ना छड्डणा, रुत्तां दा सुभाअ है बदलना। इस वार अभिमन्यु निहत्था नहीं मरेगा। हवावां भी तेज ने,
मौसम भी सर्द है, फिर क्यों शरीर दे चुड़सन दा आभास हुंदा है। मेरे अंदरली तपश कद लाट बन मच्छी, ना मैनू पता है ना हवावां नू। मेरी ते मौसम दी तासीर कद वक हो गई, मेरे लई भी रहस है सर्द मौसम लई भी। शायद मेरी बेपरवाही दा आलम है, मेरी खुदगर्जी है, मैं हुण मौसम दे मिजाज नू अहमियत नहीं दिंदा। हवावां दा शोर बहुत कुछ कहता है, मेरे कन्ना तक पहुंचण तो पहला ही मुड़ जाता है। मेरे आले दुआले बनिया चक्करव्यू, हुण हवावां दा राग नहीं सुनता। मेरे पहुंचण तक दूर चले जाता है। मेरी चमड़ी जो रंग चुकी है दुनियावी रंगां विच, शोर तां हुड़दंगां विच, हुण सर्द मौसम दे मिजाज नूं नकारदी है। शायद इसे लई मेरी ते मौसम दी तासीर हुण वक्ख हो गई है। मैनूं मौसम अनुसार बदलना पवेगा, हवावां दे रुख नूं पछाणना पवेगा, तरक्की दे शोर विच बिल्कुल गुम होया बैठा हां। कद निकलांगा इस चक्करव्यूह दे विच्चों, जे मैं हुण ना बदलिया तां शायद कदे भी ना बदल सकांगा ते मुक जावांगा इस धरती दे वावरोलियां विच, किते गुम हो जावांगा। मैं जरूर बदलांगा, मैनूं बदलना पवेगा, इंसानियत दी राखी लई बदलना पवेगा, मनुखता दी होंद लई बदलना पवेगा। मैं जरूर बदलांगा। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। रब दी